दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन की दूसरी जीत दर्ज की, लखनऊ को 6 विकेट से हराया। आज आईपीएल 2024 का 26वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 18.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 170 रन बनाए और इस सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। लखनऊ द्वारा दिए गए 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली तैयार थी। सलामी बल्लेबाज के लिए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर क्रीज पर मौजूद थे। दोनों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। दिल्ली की पारी शुरू हो गई। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी का पहला ओवर लखनऊ की तरफ से अरशद खान नेट फेंका। एक ओवर में टीम का स्कोर 7-0 था। शॉ और वार्नर ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 3 ओवर में 22 रन की साझेदारी हो चुकी थी। शॉ के बल्ले से 3 चौके निकल चुके थे, वहीं 6 रन बनाकर डेविड वार्नर नाबाद खेल रहे थे। तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को बोल्ड कर दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका दिया। वार्नर 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली कैपिटल्स को सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेशर मैकबर ने संभाला। पावर प्ले समाप्त होने तक टीम ने 1 विकेट पर 62 रन बनाए। पृथ्वी शॉ फिलहाल 19 गेंदों पर 32 रन, मैगर्ग 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे। स्पिनर रवि बिश्नोई ने दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका देते हुए सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को आउट किया। पृथ्वी 22 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुई। पृथ्वी के पवेलियन लौटने के बाद कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे। उनके साथ जैक फ्रेशर क्रीज पर मौजूद थे। 11 ओवर का खेल पूरा हो चुका था। दिल्ली की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही थी। ऋषभ पंत और जैक फ्रेशर के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी। टीम का स्कोर 90-2 था। जैक ने लखनऊ के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 31 गेंदों पर 50 रन पूरे किए। वह 32 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। तब तक उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकल चुके थे। वह दमदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं उनके साथ ही बल्लेबाज ऋषभ पंत भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। 14 ओवर के बाद टीम का स्कोर 136-2 था। दिल्ली कैपिटल्स को तीसरा झटका नवीन उलहक और जैक फ्रेशर के रूप में लगा। वह 55 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने 157.14 स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 5 छक्के लगाए। मैगर्ग ने तीसरे विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी निभाई। फिलहाल क्रीज पर ऋषभ पंत और शाई होप मौजूद थे। टीम को जीत के लिए 28 गेंदों पर 22 रन की जरूरत थी। दिल्ली को चौथा झटका रवि बिश्नोई ने 146 रन के स्कोर पर दिया। उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत को आउट किया। वह 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रन पर कामयाब हुए। अब टीम को जीत के लिए 27 गेंदों पर 22 रन की जरूरत थी। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जैक और ऋषभ पंत के बीच तीसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी हुई, जिसे नवीन उलहक ने तोड़ा। मैगर्ग को 140 के स्कोर पर पैवेलियन भेजा। मैगर्ग ने लखनऊ के खिलाफ 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। वहीं पंत 41 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ड्रिस्टन स्टब्स और साई होप के बीच 5 विकेट के लिए 24 रन की साझेदारी हुई। लखनऊ के खिलाफ रवि बिश्नोई ने 2 विकेट चटकाए, जबकि नवीन उलहक और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट हासिल किए। आईपीएल 2024 में 25वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया है। अब आने वाले मैचों में देखना होगा दिल्ली कैपिटल्स क्या जीत की लय बरकरार रखेगी या लखनऊ सुपर जायंट्स वापसी करेगी। धन्यवाद।